तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है, तो कैसे हो आप लोग यार। तो आ चुके एक नए वीडियो के साथ। तो यार आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे आने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो ये इस्लामिक कंटेंट, यानी कि ये अपना कारी अब्दुल बासित की एक वीडियो डालकर, वो भी सिर्फ सूरत रहमान की, अगर आप सिर्फ इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप यकीन माने आपको 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर अंदर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं ग्रो करने के लिए, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आपके लिए नहीं है ये वीडियो, ये उनके लिए जिनमें पेशेंस है और जिसमें सब्र है, जिसमें कंसिस्टेंसी की पावर है, तो वो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैंने अपने भी खुद के चैनल में ग्रो करवा चुका हूँ इस तरह लॉन्ग टर्म में, यानी कि आपने वीडियो डाल देनी है। जिनके पास टाइम नहीं होता, जो बोलते हैं कि यार हमने लॉन्ग टर्म खेलना है कि हमें ये लॉन्ग टर्म फ़ायदे थे, तो मैं ये सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड की है, इसका 1 साल हो गया इस वीडियो को, और इसके ऊपर तकरीबन 1.9 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और उससे इसको मिले हैं 12,000 सब्सक्राइबर। आप यकीन जाने, अगर ये बंदा उस टाइम से ये वीडियो डालता हुआ आता तो इसके 1 लाख सब्सक्राइबर कहीं नहीं जाते। तो इसी तरह मैं आपको कुछ और भी कंटेंट, यानी कि यूट्यूब की वीडियोस शो करा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना ये वीडियो अपलोड की है कारी अब्दुल बासित की, जो कि अभी रिसेंटली यार चैनल बने, यार रिसेंटली यहाँ पे अगर मेरे पास वो चैनल सामने आ जाए तो मैं भी वो भी शो करा देता हूँ। अब ये देख सकते हो, माशाल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी आवाज़ एक तो खूबसूरत है इसकी वजह से, और बाकी इस्लामिक कंटेंट पे लोग वॉच टाइम, यानी कि इंगेजमेंट रखते हैं, उनको वीडियो को वॉच करते हैं, तो उसी वजह से जो है वो मज़ीद वो लोग आगे जो है वो यूट्यूब जो है वो आगे पहुँचाता है। ये बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये बंदे ने जो है वो वही वाली वीडियो अपलोड की है। मैं मोस्ट पॉपुलर पे चले जाता हूँ, ये देखो 3 साल पहले इसने वीडियो अपलोड की है, 2.4 मिलियन व्यूज़ आए इस पर, और इस पर कोई कॉपीराइट आपको नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं आपको अभी मैं अपने चैनल पे शो करा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने तकरीबन इस पर मैंने परसों से शायद काम स्टार्ट किया, और मेरे दोस्त ने जो है ना पहले से ही स्टार्ट किया था, मेरे दोस्त ने, उसने तकरीबन, मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ अगर मेरे पास सामने, अगर वो आ जाए उसका चैनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने परसों ये वीडियो अपलोड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो पे 10 व्यूज़ आ गए। 10 व्यूज़ स्टार्टिंग में आना बहुत बड़ी बात है, और आप बोलोगे यार 10 व्यूज़ आ गए क्या है भाई। आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप इसको 10 मिलियन 100 कर दो, 10 मिलियन 1 कर दो, 1 मंथ कर दो, यानी कि 10 व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो इसको मंथ में कितने आएंगे। मेरे जैसे एक दिन में 10 आ गए, मंथ में 300 आएंगे, सही है 300 आएंगे, फिर ये डबल होते जाएंगे, 300, 600, 600 से फिर 900, 900 से फिर 1800, इस तरह से फिर बढ़ते जाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। अब आपने करना क्या है, ये आप देख सकते हो, कॉपीराइट क्लेम, इससे आपने नहीं डरना, इससे आपने नहीं डरना, ये आपने अपलोड करना ही है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने तरीका उनके लिए बता रहा हूँ जो बंदा जो है वो सब्सक्राइबर के लिए काम कर रहा है, या फिर अपना जो है वो चैनल प्रमोट करना चाहता है अपने कंटेंट के लिए, नहीं मतलब अपने कंटेंट डाल के नहीं, पराया कंटेंट। जैसे अब ये देख सकते हो, ये कंटेंट है, अगर आप ये अपलोड करते हो तो इससे होगा ये कि आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, और सेकेंडली ये कि आप यहाँ पे पेड प्रमोशन कर सकते हैं लोगों के। जैसे लोगों को आपने देखा होता है कम्युनिटी, मतलब जिसका चैनल वायरल होता है और उनकी कम्युनिटी पे तकरीबन 1-1 लाख जो है वो लाइक्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप जो किसी से पैसे लेके किसी का पोस्ट वहाँ डाल के और कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से मोनेटाइजेशन के साथ तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन ये कि आप चैनल रीसेल कर सकते हैं, सही। और सेकंडली आप जो है वो अपने चैनल के थ्रू, अगर आपका चैनल जो है वो कॉपीराइट के कंटेंट के थ्रू वायरल हो गया और उस पर अच्छा खासे सब्सक्राइबर आ गए, तो आप उससे लोगों के पेड प्रमोशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ करना किस तरह है। तो सबसे पहले तो आपने ना विड आई क्यू एक एक्सटेंशन है, वो आपने डेस्कटॉप पे ऐड करना है, ये आपको क्रोम वेब स्टोर से मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी चैनल के, जिस चैनल पे आप वर्क करना चाहते हो उस चैनल के साथ उसको अटैच करें,
और ये देख सकते हैं मेरे पास ये अटैच हो गया, यहाँ पे हमारे मेरे पास सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो मैं आपको शो भी करा देता हूँ अपने एडिट करने किस तरह करना है। तो आपने क्रोम वेब स्टोर सर्च करना है यहाँ पे, क्रोम वेब स्टोर जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहले वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है सीधा वेड आई क्यू। तो ये पहला एक्सटेंशन आ गया, आप मेरे पास रिमूव लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके पास ऐड आएगा, ऐड को कर देना तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे ईमेल मांगेगा, किस ईमेल के साथ आपका जीमेल जब सॉरी चैनल बना हो वो ये चैनल ऐड कर लेना, एंड दैट्स इट, आपका जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप इससे थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो, और जिस जिस वीडियो पे जो है लोगों ने टैग्स दिए होंगे, मतलब जैसे किसी बंदे ने जो है अपने वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शन जो भी दिए, वहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाता है जो कि नॉर्मली नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है सूर्य रहमान, ठीक है, ब्यूटीफुल वॉइस अगर आप यहाँ लिखेंगे तो नहीं तो ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कारी अब्दुल बासित। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी चैनल्स खुल के आ जाएंगे। अब ये देख सकते हो माशाल्लाह से वो 4 ईयर में तकरीबन कोई इसके 40 मिलियन जो है वो व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला चैनल है, अब इसके भी जो है ना 4.7 मिलियन जो है वो व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं। इसी तरह फिर आपको नीचे आते रहना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो आई थिंक ऑफिशियल है इसका, कारी अब्दुल हफीज़ का सॉरी बासित का। तो ये जो है वो फिर 88 मिलियन, और इसके साथ ये बता रहा था मैं, ये दोस्त का है, मैं आपको ये बता रहा था टी एच गेमर। अब इस बंदे ने देखो तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले ये वीडियो अपलोड किए, 2 हफ्ते पहले, सही है। और अभी आप देख सकते हो 78K व्यूज़ आए हैं इस पे, 78K व्यूज़, 78K व्यूज़ आना कोई इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उनके लिए मुश्किल वाली है जो नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है जो कर सकते हैं, सही है। तो ये आप देख सकते हो सेम एज इट इज़ वही वीडियो अपलोड की, थंबनेल लगाया और डिस्क्रिप्शन डाला है एंड अपलोड कर दिया। तो उसके बाद ये देख सकते हो, और उसके जो सब्सक्राइबर भी आ गए ऐसी वीडियो के थ्रू, और यहाँ पे जो है वो अगर ये चाहे मज़ीद वीडियो अपलोड करके, और यहाँ पे कम्युनिटी टैब का ये फ़ायदा उठा सकता है वो यूँ कि यहाँ पे लोगों के पेड प्रमोशन करवा सकता है, नंबर वन। सेकेंडली आप जो है वो चैनल सेल कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा आप अपने वीडियोस के थ्रू, जब आपका चैनल तो मोनेटाइज खैर अगर नहीं हो रहा तो आप ब्लॉगिंग से भी यहाँ से ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, वहाँ पे अपने ब्लॉग वेबसाइट पे वहाँ पे अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से अर्न कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं अगर आपसे, मतलब यहाँ पे आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, मतलब एक सोर्स है व्यूज़ का सोर्स है, तो आप ये व्यूज़ का सोर्स शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे आपका अर्निंग हो रही है वहाँ से कन्वर्ट करो। नंबर वन सेल कर सकते हो, नंबर टू पेड प्रमोशन करवा सकते हो कम्युनिटी टैब के थ्रू, या किसी का लिंक अपनी वीडियो में डाल दो उससे। तीसरा आप जो है मज़ीद अपने चैनल, अपने इस चैनल की वजह से ग्रो कर सकते हो, अगर आपका एक चैनल जब ग्रो हो जाए, सही है, और चैनल सेल कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और अपने जो व्यूज़ है, जैसे अब ये इस बंदा है अगर ये चाहता है तो ये अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के अपना यहाँ का ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे लेके जा सकता है और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आपने अपलोडिंग किस तरह करनी है, किस तरह थंबनेल डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपने कारी अब्दुल बासित की एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है अपने चैनल पर और वीडियो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। जब वीडियो सेलेक्ट हो जाए तो आपने कोई सी भी एक वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये वाली वीडियो मैंने किसी और की कॉल रखी है, यहाँ से मैं करूँगा क्या कि यहाँ से मैं पहले इसका जो डिस्क्रिप्शन जो भी इसने डाला होगा वो कॉपी करूँगा। डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके बाद आपने थंबनेल डाउनलोड करना है, थंबनेल पर क्लिक करना है इस तरह। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर थंबनेल आ रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से सेव एज और यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है भाई। और इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे थंबनेल इसका ऐड कर देना है, आपने कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह पेस्ट किया,
और फिर जो है वो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर टैग मांगेगा, तो टैग भी आपने जो है ना यहाँ से इससे उठा लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हो वीडियो टैग्स, तो मैं यहाँ पे इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो टैग, वीडियो टैग्स को कॉपी किया, चैनल पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना सा काम करना है। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और फिर जो है वो इसको पब्लिक कर देना है। दैट्स इट। इसमें कितना टाइम लगा होगा मुझे? मुश्किल से मुश्किल मुझे 5 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट, इतना सा। तकरीबन 2 वीडियोस आपने अपलोड करनी है, ठीक है, डेली के इस तरह 2 वीडियोस अपलोड करनी है। आपकी एक ना एक वीडियो निकल पड़ेगी, और ऐसे ही निकल पड़ेगी कि आपकी सोच भी नहीं होगी कि यार ये निकली कैसे। तो इस कंटेंट पे जो है वो इस वीडियो पे वर्क करे, और फिर मुझे जो है वो, मैं आपको व्हाट्सएप का जो वो अपना नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है, और वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको मुश्किल आ रही होगी। सेकंडली, जब आपका कोई चैनल वायरल हो जाए या कुछ हो जाए, स्टार्टिंग पहले आपने मुझे तस्वीर सेंड करनी है, यानी कि आपने सक्सेस सेंड करनी है, जो मैंने आपको सिखाया है ना वो आपने प्रैक्टिकल करना भी है और मुझे सेंड करना किया। भाई अरे भाई, आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी चैनल बनाया, और फिर जो है वो मैंने इसको जो है किस तरह ग्रो किया है, तो उसका मुझे स्क्रीनशॉट के थ्रू जो है वो आप बता सकते हो, और मैं काफ़ी ज़्यादा आपके जो है वो इससे मुतासर होऊंगा और काफ़ी मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। सो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।